वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल मैंने एक वीर का कमेंट आया, ये सवाल पूछ रहे थे कि जेड़े अपने शहीद सिंह की समाधा है ने उत्थे मत्था टेकना चाहिदा है या नहीं। तो हुण मैं सवाल है कि बहुत ज़्यादा डूंगा है, अगर गहराई ना वेखिए तो बहुत सारे ये तर्क निकल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक ऐसे निकल जाएंगे जिद पर चर्चा करनी चाहिए है ना। पर मैं ये कहूँगा कि जिन्नी भी समाध बनिया ने यह समाधा बनी है किसी महापुरुष के हाथों, जेडे गुरमुख के चंगे तक समझते सी उन्होंने बनाई। हम थोड़ा इस तरीके ने जानी है कि जो अब्दाली ने हमला किया दरबार साहब से सारा सरोवर मिट्टी ने भरोता, तो उदो बाबा दीप सिंह ने अरदास की कि दरबार साहब आजाद करा के फिर शहीदी पावगा। तो हम आ वेखो जो बाबा दीप सिंह ने अरदास की तो उन्होंने भरा भी सी नाल, मासी के मुंडे से बाबा नौत सिंह, बाबा नौत सिंह बाबा दीप सिंह से वड्डे सी। उन्होंने कहा कि यार जथेदार बाबा दीप सिंह से उन्होंने कहा कि मैं वड्डा है कि छोटा भरा चल जाए जंग च तो वड्डा भरा पिछे ना बैठा रहे, तो उन्होंने कहा पहला जथा मैं लेके जावगा बाकी फिर तुम आयो। बाबा दीप सिंह नहीं आप कट्ठे ही जावे, दोवें जथे कट्ठे जाएंगे तो कट्ठे शहीदियाँ पावे। तो इस तरीके दोवें भरा नाल गए, तो उन्होंने भतीजा जोड़ा है सी पिंड ठट्ठे वाले बाबा निधान सिंह, उन्होंने जथेदारी देकर दोवें सिंह चल गए, शहीदियाँ पाइया, शहीद होए। हुण उत्थे दी समाध बनी है बाबा नौत सिंह की तरन तारण रोड से तुम जानते हो, तो बाबा दीप सिंह की समाध बनी से सर कटिया सी गुरुद्वारा टाला साहब। सारे तुम जिन्नी समझ है कि मेरे सामने इस बारे जानकारी होगी उन्होंने, तो जो शहीद हो गए तो उन्होंने समाधा बनिया। तो हुण एक जिन्ने सिख उत्थे जाते हैं आप गल समझिए कि आप जिते भी जाते हैं बाबा बाबा दीप सिंह हो गए, बाबा नौत सिंह हो गए या होर बाकी जिन्हें सिंह शहीद हुए हैं उन्होंने समाध जा रहे हैं उत्थे मत्था आप टेकते गुरु महाराज हैगा उत्थे प्रकाश गुरु ग्रंथ साहिब जी का आ, तो मत्था टेकते आप उत्थे गुरु महाराज को टेक के पाठ करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, ना कि कुछ होर कि समाधि से कोई मंत्र मुंत्र पढ़ रहे हैं, ऐदा तो कुछ गल नहीं हैगी। अभी समाध वाले गए जरूर आ, उत्थे जाके पढ़ी बाणी आ, मत्था गुरु महाराज को टेकया है, तो आही करेंगे। हम एक होर एग्जाम्पल देना, बाबा बुढ़ा जी वेख लो, जो बाबा बुढ़ा जी ज्योति का समय, तो उत्थे सब बाबा बुढ़ा जी यहोजी शक्ति से जिते सब तो ज़्यादा उन्होंने गुरु महाराज के दर्शन किए हैं सब तो ज़्यादा। और जरा ज्योति का समय उत्थे गुरु हर राय जी, गुरु तेग बहादुर जी वह भी मौजूद सन, हालांकि उन्होंने गुरगद्दी नहीं मिली सी अजे, पर उन्होंने अपना जन्म ले लिया सी, जन्म ले लिया सी, वह भी उत्थे मौजूद सी। गुरु अंगद देव जी का पूरा परिवार से, गुरु अमरदास जी का पूरा परिवार से, गुरु रामदास जी का पूरा परिवार तो होना ही सी, नाल देना भाई गुरदास जी का पूरा परिवार, भाई मरदाना जी का पूरा परिवार, बाबा बुढ़ा जी का पूरा परिवार, तो सारे उत्थे मौजूद से। मतलब वो एक यहोजा स्थान मनिया गया जिते सब तो ज़्यादा गुरु गुरु साहबान, सब तो ज़्यादा संत, जिन्हें सारे भगत तो महा महापुरुष जिन्हें जिन्हें है सब तो कट्ठे इको समय से इको जगह से अगर चरण पे ने, तो वह है बाबा बुढ़ा जी की जो ज्योति समाज संस्कार वेले का टाइम, तो उत्थे भी समाध है। यदा मतलब कि आप समाध वाले पास आप गलत वाले पास सोचते, समाध शब्द न आप मत्था गुरु महाराज को टेकना वा, उसे प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब से ही आ, पर आप उसे छड़ना नहीं है कि आप उसे जाइए ना। हम सवाल यह भी आता है कि समाधा क्यों बन दिया ने शहीद सिंह दियाँ जो साढ़े बच्चे गुरमच नहीं है, कोई तो भी लोग इदा कह देंगे ने, तो देखो जो आप किसी यह जगह पर जाइए जिसे सानू पता कि इतने साढ़े जे बाबा दीप सिंह एग्जाम्पल है लीए इतने शहीद हुए आ जगह पर, तो तुम्हें प्रेरणा मिलती कि सानू भी गुरु महाराज की शक्ति बख्शे कि असी भी ऐस सिंह वागू शहीद हो सकीए, यहोजी अरदास करे कि सानू भी बल बख्शन कि असी भी शहीद हो सकी, क्योंकि जो बाबा दीप सिंह जंग लड़न गए थी उद भी यही नहीं कि कल बाबा दीप सिंह है जिन्होंने सिर कट्टे तो बाद लड़ाई की जंग लड़ी, ये नाल उन्होंने जो सेना से है जिन्हें सिंह वो भी सिर कट्टे तो बाद कई सारे सिंह से जो सिर कट्टे तो बाद भी लड़ते रहे थे, तो शहीद सिंह के पास शक्तियां बहुत होंगे ने, तो असी उन्होंने जाके जो जगह जाते हैं आही अरदास करते सानू भी यहोजा बल बख्शिश करे कि असी भी शहीद हो सकी, सानू भी यहोजा गुरु महाराज बल बख्शन अपना दिन कि असी भी शहीद हो सकी करके। तो बाकी ये टॉपिक यहोजा है कि ये तो होर विचार कीतिया जा सकदियां ने, अगर तुम्हें लगता है कि एक टॉपिक तो होर डूंगे तौर पर विचार करना चाहिए तो मैंने दस्यो, और गहराई से जाके आप विचार करांगे, सारे कमेंट करके जरूर दस्यो। तो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।